कांग्रेस ने आज प्रदेश भर में भाजपा सरकारों की बुद्धि शुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। ब्लॉक से लेकर जिला और कांग्रेस मुख्यालय में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया है। कर्नाटक चुनाव के लिए घोषणा पत्र में कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन लगाने का मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। एक भाजपा इस मुद्दे को राष्ट्रव्यापी रंग दे चुकी है, तो वहीं बजरंग दल सड़कों पर उतरकर कांग्रेस का विरोध कर रहा है। कांग्रेस भी पीछे नहीं हटना चाहती। जवाब में कांग्रेस ने भी जगह जगह हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया है। राजधानी देहरादून में बीते दिन बजरंग दल द्वारा कांग्रेस मुख्यालय के सामने किए गए विरोध प्रदर्शन जवाब में आज पार्टी ने पूरे प्रदेश में हनुमान चालीसा का पाठ किया। इसी क्रम में कांग्रेस भवन में प्रदेश अध्यक्ष करण महारा की मौजूदगी में हनुमान चालीसा का पाठ किया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि सनातन धर्म और हनुमान जी भाजपा और बजरंग दल की बपोती नहीं है। हनुमान चालीसा के पाठ की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि जनता को संदेश जाए और वो समझ पाए कि धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग कौन हैं। हमारा टारगेट और हमारा हम पोक कर रहे हैं बीजेपी को। कहां थे बजरंग दल के वो साथी जिन जो अपने को बजरंगी कहते हैं, जब अंकिता का मर्डर केस हुआ, बीजेपी के कार्यकर्ता पकड़े, एक भी बजरंगी बाहर नहीं दिखा। हनुमान जी से तुलना कर रहे हैं, जो हनुमान, मेरे को शर्म आती है ऐसे प्रधानमंत्री पे जो हनुमान जी के संग बजरंग दल की तुलना कर रहे हैं। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक राम के अनन्य भक्त, राम की सेवक, जिनको राम ने भरत के बराबर उपाधि दी, जो सीता माता की खोज करके लाए और सारे बंदरों की जिन्होंने जान बचाई, क्योंकि जवान दी थी कि अगर सीता माता की खोज करे बिना वापस आएंगे तो आत्महत्या कर लेंगे, उनकी जान बचाने वाले बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से, जो पार्टी देख के तय करता कि सही और गलत क्या है। केदारनाथ की घटना घटी, एक भी बजरंगी वहां मदद करने नहीं आया। जोशीमठ बर्बाद हो गया इन दो सालों में। रेणी की घटना के बाद से लगातार शय हो रहा था, बजरंगी कहाँ थे? जब हमारे बेरोजगार नौजवानों पर लाठी चल रही थी, जब यहाँ SSSC भर्ती घोटाला हो रहा था, उस समय बजरंग दल के साथी कहाँ थे? इसलिए हम कहते हैं कि बजरंग बली और बजरंग दल में जमीन आसमान का फर्क है। दोनों को एक करके दिखाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ना करे। बीजेपी को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है और ना हमको उनके सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। अरे जिन लोगों ने आज राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ा हुआ है, ये वही लोग तो हैं जो गांधी की हत्या की साजिश में शामिल थे, जिनका संगठन, जिन लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया और सबसे बड़े आज राष्ट्रप्रेमी बन के घूम रहे हैं मुखौटा ओढ़ के। वो बोलते हैं हमारे कहावत है, सियार को अगर शेर की खाल बना दो तो सियार शेर नहीं बन जाता, सियार ही रहता है। तो ये बीजेपी के मुखौटे करनी और कथनी में फर्क है। कोई भी व्यक्ति जो इस भारत में रहता है, वो अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने धर्म की पूजा करने के लिए उसको छूट है। हमारे संविधान में ये व्यवस्था है। और कोई भी किसी भी पार्टी में हो, अगर कोई आदमी कांग्रेस में हो, सनातन धर्म का है, वो अपने सनातन धर्म की अपने इष्टों की पूजा कर सकता है। मुस्लिम है तो अपने अल्लाह की इबादत करेगा, सिख है तो अपने गुरु ग्रंथ साहिब की इबादत करेगा, अपने नौ गुरुओं की पूजा करेगा, बौद्ध अपने हिसाब से पूजा करेंगे और जैन अपने हिसाब से पूजा करेंगे। बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है इस पर, इसीलिए आज ये जो किया है, सुबह शाम तो हनुमान चालीसा हम घर में भी पढ़ते, लेकिन आज ये जो कैमरे के सामने किया गया, ये बीजेपी को जताने के लिए किया गया कि उनके बाप की पपौती नहीं है सनातन धर्म। जो भी इस राष्ट्र में रहता और सनातन धर्म को मानता है, वो सनातन धर्म की किसी भी किस्म की पूजा को करने के लिए उसको छूट है नियम और कानून के साथ।